नमस्कार, वेलकम टू नवनीताज किचन। आज मैं आपके लिए बनाने वाली हूँ बहुत ही आसान, टेस्टी और दिल को छू जाने वाली एक स्वीट डिश, कलाकांद। नॉर्मल कलाकांद में थोड़ा सा वेरिएशन लाके मैंने चॉकलेट कलाकांद भी बनाया है, नॉर्मल भी बनाया है। दोनों ही बहुत ही टेस्टी बना है खाने में। आगे बहुत सारी त्योहार आने वाली है, इस खुशियों के मौके पर आप खुद घर में कलाकांद बनाइए और सबके साथ खुशियाँ बांटिए। तो चलिए बनाते हैं सबका पसंदीदा स्वीट डिश कलाकांद। कलाकांद बनाने के लिए मैंने यहाँ 2 लीटर दूध चढ़ा दिया है गैस में। इससे पहले छेना बना लेंगे और यहाँ मैंने 1 लीटर दूध चढ़ाया है, इसे हम सुखा लेंगे। छेना बनाने के लिए यहाँ 6 टेबलस्पून विनीगर में 12 टेबलस्पून पानी हमने मिक्स करके रखा है। पानी और विनीगर का मिश्रण को धीरे धीरे डालते जाएंगे और छेना बनाते जाएंगे। छेना और पानी अलग हो गया है, अब इसका पानी हम छान के निकाल लेंगे। एक बॉल के ऊपर एक छलनी रखा है, उसके ऊपर कॉटन का कपड़ा रख के हम छेना को छान लेंगे। अब हम इस छेने को ठंडा पानी से धो लेंगे ताकि इसका खट्टापन ना रहे। इस छेने को हम छलनी में ऐसे ही छोड़ देंगे इसका सारा पानी निकल जाने के लिए। ये जो 1 लीटर दूध है इसे हम आधा होने तक सुखा लेंगे, उसके बाद आपसे फिर मिलते हैं। दूध ऑलमोस्ट सूख चुका है, अब हम छेने को मैश कर लेते हैं। कलाकांद बनाने के लिए हम छेने को स्मूथ नहीं बनाएंगे, थोड़ा रफली मैश करेंगे। इस छेने को हम कुछ देर के लिए साइड करके रखते हैं और जो दूध मैंने सुखाया है उसे अब प्रिपेयर करते हैं। सुखाया हुआ दूध में हम मिलाएंगे चीनी। यहाँ मैंने 10 टेबलस्पून चीनी लिया है, आप अपने टेस्ट के अनुसार चीनी को कम ज़्यादा कर सकते हैं। और ये है थोड़ी सी इलायची पाउडर। चीनी को हम सूखे हुए दूध के साथ मिलाएंगे और इस दूध को फिर से हम सुखाएंगे क्योंकि चीनी मेल्ट होगा और पानी छोड़ेगा। अब हम इसमें मिलाते हैं इलायची पाउडर। अब हम इस मैश किया हुआ छेने को सूखे हुए दूध के साथ मिक्स करेंगे। आप चाहे तो यहाँ ग्रेटेड पनीर का भी यूज कर सकते हैं। इस मिक्सर को अब हम 1 मिनट के लिए सुखा लेंगे। इस मिक्सर को मैंने फ्लेम हाई करके सुखा लिया है, अब गैस बंद कर लेंगे। कलाकांद को सेट करने के लिए इस ट्रे में हम थोड़ा घी ब्रश कर लेते हैं। इस मिक्सर से हम थोड़ा निकाल लेंगे, इससे क्या करेंगे हम इसे बाद में दिखाते हैं। और बाकी बचे हुए को हम इस ट्रे में सेट कर लेंगे। मैंने इसे पूरा ट्रे में स्प्रेड नहीं किया इसलिए ताकि कलाकांद का पीस पतला ना हो। इस कलाकांद को अब हम रूम टेम्परेचर में आने देते हैं। ये जो मैंने मिक्सर को निकाल के रखा था इससे बनाएंगे चॉकलेट कलाकांद। ग्रेटेड चॉकलेट और कोको पाउडर 4 टेबलस्पून। इस मिक्सर को अब हम डालते हैं कढ़ाई में। कोको पाउडर को हम थोड़ा थोड़ा करके मिक्स करेंगे। 30 सेकेंड के लिए मैंने गैस को ऑन किया था, अब मैंने गैस बंद कर लिया है।
कोको पाउडर मिक्सर के साथ मिक्स हो गया है। अब इसमें डालते हैं ग्रेटेड चॉकलेट। एक ही मिक्सर से हम दो टाइप का कलाकंद बना सकते हैं और बच्चों को तो ये चॉकलेट का कलाकंद बहुत ही अच्छा लगता है। चॉकलेट कलाकंद को सेट करने के लिए इस ट्रे में भी थोड़ा घी स्प्रेड कर लेते हैं। इसे भी अब हम रूम टेम्परेचर में आने देते हैं। कलाकंद रूम टेम्परेचर में आ गया है। इसे फ्रिज में रखने से पहले इसे थोड़ा गार्निश करेंगे। व्हाइट वाला को ग्रेटेड पिस्ता से गार्निश करेंगे और चॉकलेट कलाकंद को ग्रेटेड काजू से गार्निश करेंगे। कलाकंद को हम फ्रिज में 2-3 घंटा सेट होने के लिए रखते हैं। तीन घंटे बाद मैंने कलाकंद को फ्रिज से निकाल लिया है। अब इसे पीस करते हैं। डिलीशियस ही दो तरह का कलाकंद मैंने सर्व कर लिया है। खाने में ये बहुत ही जबरदस्त बना है। अगर घर में कोई ओकेशन हो या यूं ही मन करे आपको कलाकंद खाने का तो आप इसे बनाइए और मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कैसा बना है। जिन्होंने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं आप ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन क्लिक कीजिए नया नोटिफिकेशन पाने के लिए। और आप सभी मेरे चैनल को लाइक और शेयर करना ना भूलें। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नए रेसिपी के साथ।